हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन केस ऑफ ह्यूमन। तो इसके अंदर दो स्टेज हमने डिस्कस किया था, एक गैमेट फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था और एक फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था, राइट। एंड वी हैव सीन इट इन डिटेल, राइट। अब आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस की हाउ द बेबी डेवलप्स एंड हाउ इट टेक्स अ बर्थ। डेवलपमेंट और बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू सी दिस वीडियो टिल एंड, सारे वीडियो को लास्ट तक देखना, यू विल गेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। नाउ वी व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड बर्थ, जब भी हम लोग डेवलपमेंट एंड बर्थ की बात करते हैं, तो जो प्रोसेस, इससे पहले जो प्रोसेस होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम लोगों को कंसेप्ट, फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, व्हेन द स्पर्म सेल यूनाइट विद द एग सेल, राइट, एक सिंगल सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जायगोट। 23 क्रोमोजोम है जो वो स्पर्म से आएंगे, 23 क्रोमोजोम एग से आएंगे। जब जायगोट बनेगा तो जायगोट विल कंटेन 46 क्रोमोजोम, और ये जो जायगोट है ये सिंगल सेल होगा, इसका डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन होगा, बिकॉज हमने देखा था कि जो मियोसिस का डिवीजन होता है इट टेक्स ओनली इन केस ऑफ जर्म सेल में वो डिवीजन होता है, बट इन केस ऑफ जायगोट जब बनेगा सिंगल सेल, इसका जब डेवलपमेंट होगा तो माइटोसिस से होगा और उसकी वजह से एक नया न्यूबॉर्न बेबी बनेगा। ओके, लेट अस सी दिस वन इन डिटेल। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, स्पर्म सेल एंड एग सेल। सो दिस स्पर्म सेल कंटेन 23 क्रोमोजोम एंड एग सेल ऑल्सो कंटेन 23 क्रोमोजोम। जब ये यूनाइट हो गए, नाउ यू कैन सी व्हेन दे विल यूनाइट, सो वी विल गेट, बट व्हाट वी विल गेट ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड ए जायगोट, राइट। और ये जो जायगोट है मल्टीपल डिवीजन करेगा, और डिवीजन बन करने के बाद देखो बहुत सारे सेल जो होंगे वो डेवलप होंगे, ये माइटोसिस से डिवीजन करेगा, एंड आफ्टर दैट ये जो सेल है सब मिला के क्या बन जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएंगे, राइट, एक बेबी बन जाएंगे, और इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं ये कैसे होता है। तो कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। द जायगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। ये हम लोग ने देखा, जो हम लोग का जायगोट बन रहा है कहाँ पे बनता है, ये जो ओविडक्ट है, ये जो जायगोट है, हमें पता है कि जो स्पर्म है वो कहाँ तक जाता है, स्पर्म ओवरी जो है, ओवरी से जो एग सेल रिलीज हुआ ओविडक्ट में, ओविडक्ट तक जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहाँ पे आपको एक जायगोट मिलेगा जो माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे सेल बनाएगा और उससे एम्ब्रियो बनाएगा, राइट। देन मीनवाइल इट इज पुश टुवर्ड यूटीरस। अब ये जो बहुत सारे सेल बने थे ये लोग यूटीरस की तरफ आ जाएंगे, ओके, यूटीरस की तरफ आएंगे, उसके बाद उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगा। वंस इट रीच द यूटीरस इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट आकर आफ्टर इम्प्लांटेशन। वो जो बहुत सारे सेल बने थे जायगोट के डिवीजन से, सारे के सारे सेल ओविडक्ट से यूटीरस में आएंगे, एक जगह पकड़ लेंगे, उनके ऊपर एक कवरिंग आएगा जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। दिस प्लेसेंटा विल प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट, जितना भी नरिशमेंट बेबी को चाहिए, ईच एंड एवरी नरिशमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय प्लेसेंटा। एन ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन द यूटीरस। अब ये चीज़ को जो हमने कंसेप्ट समझा, इसको हम लोग एनिमेशन की मदद से देखते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। इसमें हम लोग को पता है दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी, राइट। दिस इज ओवरी, दिस इज द ओविडक्ट, दिस इज यूटीरस एंड वेजाइना, राइट। इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी प्रोड्यूसेस द एग सेल, राइट। यहाँ पे क्या होते हैं, जर्म सेल का मियोसिस होता है जिससे एग सेल बनते हैं, राइट। एग सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। नाउ ये एग सेल जो है वो चल के यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट हैपन, ये जो स्पर्म है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पॉपुलेशन में, ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म क्या होता है, वो ट्रैवल करता है, और इसमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है यहाँ तक पहुँच पाता है, और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन से एक सिंगल सेल जायगोट प्रोड्यूस होता है। यू कैन सी क्या जायगोट, और ये क्या करके डिवीजन करके बहुत सारे सेल बना लेंगे। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, राइट। ओके, नाउ व्हाट हैपन, ऑल दिस सेल, ये जो सेल बना है मल्टीपल सेल, क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये चल के यूटीरस में आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी दे आर कमिंग इन यूटीरस। जब ये यूटीरस में आ जाएंगे व्हाट विल हैपन, अब इनके जो सेल है ये सेल डिवीजन से एक नया एम्ब्रियो बना लेंगे। यू कैन सी एम्ब्रियो आ गया। अब ये एम्ब्रियो जो है इसका डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होगा, तो फॉर दैट नरिशमेंट इज रिक्वायर्ड, फूड सप्लाई इज रिक्वायर्ड, वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। इसके लिए एक प्लेसेंटा इसको कवर कर लेगा, देयर इज ए लेयर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। यू कैन सी ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा जो है इसके अंदर पूरा नरिशमेंट, मदर से जो भी नरिशमेंट आएगा, फूड आएगा, ऑक्सीजन सप्लाई आएगा, ब्लड सप्लाई आएगा, सारे के सारे बेबी को मिलते रहेगा। आफ्टर दैट एक यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड आ जाएगा जो कि प्लेसेंटा और बेबी के नेवल
पार्ट से कनेक्टेड होगा। तो ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा के अंदर पूरे न्यूट्रिशंस है, और ये न्यूट्रिशन बेबी को मिलेगा कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिविटी जिसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। दिस एम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन लॉट्स ऑफ वेन्स, इसके अंदर बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज होते हैं। वेन्स और आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई करना, राइट। सो ऑल दी ब्लड जो है वो बॉडी में इसके थ्रू सप्लाई होगा। ब्लड क्या सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, फूड सप्लाई करेंगे, राइट। सो ऑल दी नरिशमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू दिस बेबी बाय प्लेसेंटा using this particular connectivity which is called as umbilical cord, and in this way धीरे धीरे ये बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस बेबी विल बी वेल डेवलप। धीरे धीरे इसके अंदर प्रोसेस होगा, देर विल बी डेवलपमेंट देर, धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट है, पहले फिंगर्स एंड टोज बनेंगे, देन ब्रेन आएंगे, मसल्स आएंगे, लीवर एंड लंग्स एंड ऑल दैट, धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होगा। एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 9 months और वी कैन से 36 to 40 weeks दिस बेबी विल बी वेल डेवलप एंड इट विल बी रेडी टू टेक बर्थ। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया, इन दिस ये जो एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो में अगर 9 weeks के बाद आप देखोगे तो फीटस इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके अंदर स्टेज बिगिन होता है, उसके डेवलपमेंट का स्टेज बिगिन होता है। तो 9 weeks लग जाते हैं एक फीटस को डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है स्टार्ट करने के लिए। तो जब 9 weeks पे आप देखोगे तो फीटस विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ दैट स्टेज। जब 12 हफ्ते हो जाएंगे, 12 weeks सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट, अब हम लोगों को पता चलेगा कि द पर्सन इज बेबी, जो बेबी है द बेबी इज ए बॉय और गर्ल, ये हम लोगों को पता चलने लगेगा। देन आफ्टर 16 weeks फिंगर एंड टो विल स्टार्ट डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 16 weeks जैसे बेबी को हो जाएगा तो टोज और फिंगर डेवलप होंगे। आफ्टर दैट 20 weeks हियरिंग बिगिंस, ही विल बी और शी विल बी एबल टू हियर। 24 हफ्ते हो जाएंगे, 24 लंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 28 weeks हो जाएंगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और फुली डेवलप हो जाता है। एंड देन 32 weeks हो जाएंगे तो बोन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 36 weeks में मसल डेवलप हो जाएंगे एंड 40 weeks में पूरी तरीके से बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा वूम में। एंड नाउ द बेबी इज रेडी टू टेक बर्थ, राइट। अब देखो जैसे ही 9 weeks से जब इनका फीटल स्टेज यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है अप टिल 40 weeks, there is certain changes that occurs in the baby, अलग अलग changes आते हैं। there is a development, there is a growth of different organ in the body, और जब ये growth पूरी तरीके से हो जाता है एक baby is ready to take birth। अब इसके अंदर again there is some changes in the reproductive tract, reproductive tract के अंदर कुछ changes आते हैं उसके बाद, and that changes is this uterus। अब इसका development हो चुका है, 40 weeks हो गए हैं, total 9 months is done। now this uterus will expand, ये जो यूटीरस है द यूटीरस विल एक्सपांड बिकॉज इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। यूटीरस विल एक्सपांड, देन द पासेस वेजाइना विल आल्सो एक्सपांड, और ये जो फीटस है इट विल बी पुश डाउनवर्ड। ये जो है इसका जो फेस है इट विल बी टर्न, जो हेड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा आफ्टर 40 weeks। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे ये बेबी का जो पोजिशन है वो ओरिएंटेशन जो है वो घूमते जाएगा, एंड द हेड विल बी डाउन टिल द एंड ऑफ 40 weeks। और ये यूटीरस का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, इट विल एक्सपांड, वजाइना विल एक्सपांड, एंड धीरे धीरे बेबी विल बी पुश डाउनवर्ड एंड इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी आफ्टर अ वीक ऑफ 40, राइट। उसके बाद जो एम्बिलिकल कॉर्ड था उसको कट कर दिया जाएगा एंड बेबी विल बी इंडिपेंडेंट, और नाउ ही और शी इज रेडी टू लिव हिज और हर लाइफ। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ डेवलपमेंट ए बर्थ ऑफ ए बेबी टेक प्लेस। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, so when we talk about sex determination in human being whether the baby is a boy or girl, ये चीज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे हम डिटरमाइन करते जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। फॉर दैट सबसे पहले द रिस्पॉन्सिबल विल बी फादर। तो जो स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, सी यू कैन सी दिस स्पर्म, स्पर्म कंटेंट 23 क्रोमोसोम, राइट। देखो 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई, करेक्ट। सो 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम कोई भी फादर के स्पर्म में हो सकता है, वेयर इज मदर स्पर्म कंटेंट 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स ओनली, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है। ओके, नाउ सपोज एक स्पर्म आता है जो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम रखता है, ओके, और ये जो एग है वो 22 प्लस एक्स, तो ये दोनों का अगर फ्यूजन होता है 22 प्लस एक्स फ्रॉम स्पर्म, 22 प्लस एक्स फ्रॉम एग, तो इस टाइम पे The baby will be a girl child, और इसके अंदर जो total chromosomes के number हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 22 plus 22, 44, x plus x, तो 44 plus 2, 46 chromosome इसके अंदर हो जाएंगे,
एंड इसके अंदर 22+22 44 ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है एंड एक्स एक्स है, देयरफॉर द बेबी विल बी ए गर्ल चाइल्ड. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बॉय चाइल्ड, नाउ सी हियर, अगर सपोज स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम 22 प्लस वाई है और एग के अंदर क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स है, एग के अंदर सेम क्रोमोसोम हर बार रहते हैं 22 प्लस एक्स, बट स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 22 प्लस एक्स भी हो सकते हैं या तो 22 प्लस वाई, राइट. तो अगर 22 प्लस वाई एग को फर्टिलाइज करता है ना, उसी यहाँ पे हमने 22 प्लस वाई वाले क्रोमोसोम लिए, राइट. तो ये स्पर्म के पास 22 प्लस वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पे 22 प्लस एक्स, अगर ये दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन द बेबी विल बी ए बॉय. ये क्या होगा, जो बेबी है वो बॉय हो. इसके अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे, 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स एंड वाई, 44 प्लस 45 प्लस 1 46. सो टोटल एक सेल जो बनेगा उसके अंदर, इनके बॉडी में जो सोमैटिक सेल होगा उसके अंदर 44 प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे, अगर वो बॉय होगा, अगर वो गर्ल है तो 44 प्लस एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट, एंड इन दिस वे द डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ ए चाइल्ड टेक प्लेस.